अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग क्या होती है। प्योरिफिकेशन यानी कि इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग का मतलब यही होता है कि प्योरीफाई करना किसी मेटल को विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। कोई भी मेटल है, फर्ज कर ले हमारे पास कोई स्पून है, चम्मच है या कोई भी और मेटल है, लेकिन वो इम्प्योर है, तो आप चाहते हैं कि आप उसको प्योर कर लें, तो वो हम इलेक्ट्रोलाइसिस की मदद से भी कर सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस की मदद से कैसे किया जा सकता है वो हम इस लेक्चर में पढ़ते हैं। सपोज यू हैव इम्प्योर कॉपर रॉड, जिस तरह से ये आपके पास एक कॉपर का रॉड है लेकिन ये इम्प्योर है, और आप चाहते हो कि इसमें से जो कॉपर है वो अलग हो जाए और बाकी चीजें अलग हो जाए, तो उसके लिए हमने एक सेटअप बनाना है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का बनाना है। वो कैसे बनाना है, जो कि आपके पास इम्प्योर कॉपर रॉड है, मेटल है, उसको आपने बैटरी के जो पॉजिटिव टर्मिनल, ये जो थोड़ा लेंथ ही होता है ना टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल, इसको इसके साथ आपने लगा देना है इम्प्योर जो मेटल होगी, इम्प्योर कॉपर मेटल रॉड होगा। और एक बारीक सी तार आप ले लीजिएगा उसी मेटल की, लेकिन वो क्या होनी चाहिए, प्योर होनी चाहिए। वो आपने दूसरी बैटरी के दूसरी टर्मिनल यानी कि नेगेटिव टर्मिनल के साथ लगा देना है। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच होता है उसको हम कहते हैं एनोड, यहाँ पे ये शो हुआ है, और जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ होता है उसको कहते हैं हम कैथोड। और एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन होती है और कैथोड के ऊपर रिडक्शन होती है, ये हमें पता है। और इस पूरे सेल के अंदर जो हमने इलेक्ट्रोलाइट यूज किया है यानी कि जो सोल्यूशन साल्ट का सोल्यूशन, वो उसी मेटल का होगा जिसके हमने प्योरिफिकेशन करनी है, यानी कि कॉपर का है तो कॉपर सल्फेट हमने इलेक्ट्रोलाइट इसके अंदर ऐड कर दिया। ओके हो गया। अब हम आते हैं इसकी वर्किंग के ऊपर, किस तरह से होगा। जैसे ही बैटरी ऑन होगी तो यहाँ ये जो इम्प्योर कॉपर है, इस इम्प्योर कॉपर में जो के कॉपर होगा, जाहिर बात है आपको अभी पता है एनोड है, तो इसके ऊपर क्या होगी, ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन में क्या होता है, जो एनोड है सॉरी जो कॉपर है, कॉपर न्यूट्रल था, उसने क्या करना है, इलेक्ट्रॉन लूज करना है, क्योंकि ऑक्सीडेशन होगी। जब इलेक्ट्रॉन लूज होगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, कॉपर प्लस टू, और साथ में दो इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएंगे। अब वो जो कॉपर प्लस टू है वो कहाँ जाएगा, वो जाहिर बात है यहाँ से मेटल जो सॉलिड थी उससे निकल के इस सॉल्ट सोल्यूशन के अंदर, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर आ जाएगा। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या होगा, वो वाला कॉपर जो कि यहाँ पे सॉल्ट सोल्यूशन के अंदर था, वो मूव करेगा, क्योंकि उसके ऊपर प्लस चार्ज है, वो मूव करेगा नेगेटिव टर्मिनल के ऊपर यानी कि कैथोड के ऊपर, और वहां जाके क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वहां से टू इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। जैसे मैंने रिएक्शन शो कराया है, वो जो कॉपर मेटल कॉपर प्लस टू बना था इम्प्योर रॉड से, वो प्योर रॉड की तरफ जाएगा और वहां से टू इलेक्ट्रॉन ये देखें गेन किया, और उससे क्या बन गया, कॉपर सॉलिड बन गया। वो होगा क्या, जैसे ही वो दो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वो न्यूट्रल हो यानी कि सॉलिड हो न्यूट्रल हो जाएगा, चार्ज उसके ऊपर खत्म हो जाएगा, और वो इस रॉड के ऊपर क्या होता जाएगा, चिपकता जाएगा, और ये प्रोसेस अगेन अगेन रिपीट होगा। यहाँ पे ये देखिए बीड्स मोती से बने हुए हैं, ये एक मोती एक कॉपर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो जैसे जैसे ये प्रोसेस रिपीट होता जाएगा और सारे के सारे यहाँ कॉपर ऐड हो जाएगा, और यहाँ पे ये पतला होता जाएगा, ये पतला होता जाएगा यानी कि एनोड पतला होता जाएगा, करोड़ होता जाएगा, खत्म होता जाएगा, और जो कैथोड है वो मोटा ताजा होता जाएगा, ठीक है, उसके ऊपर जो कॉपर है वो चिपकती जाएगी। और यहाँ से क्या होगा, जब ये पूरा प्रोसेस खत्म हो जाएगा, जो एनोड है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा और कॉपर फुल मोटा ताजा हो गया, फिर हमने इसको क्या करेंगे, अलग कर लेंगे, वो जो आपके पास ये जो कैथोड है ये आपके पास प्योर कॉपर हासिल हो जाएगी। इस तरह से देखिए ये सारा हमारे पास है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग का प्रोसेस है। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। मिलते हैं आपको नेक्स्ट।